हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के बारे में, जो डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग 4 सेमेस्टर सब्जेक्ट ही है। ठीक है, ये जो मैं क्वेश्चन को रिलीज कर रहा हूँ 24/6/2022 को रिलीज कर रहा हूँ, और ये जो सब्जेक्ट हमारा मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्टकट में एक तरह का MT कहते हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, अब समझते हैं कि आखिर में किस तरह से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करना है, जो 4 सेमेस्टर सब्जेक्ट है, जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही खतरनाक सब्जेक्ट है, हर बार स्टूडेंट इसमें बैक लगा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कोई भी यहाँ पर गेस करना पॉसिबल ही नहीं है कि किस टाइप का क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। ठीक है, ये सब्जेक्ट में अगर आपको पास होना है तो इसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आपको होना बहुत ज्यादा जरूरी है, या जो भी यहां पे टॉपिक है आपको उसके रिलेटेड जानकारी होना जरूरी है, तभी जाके आप इसको लिख पाएगा। ठीक है, और लिखने का तरीका क्या है कि आप इसे अपने लैंग्वेज में ही लिखिएगा, तभी जाके पास हो पाएगा। आप सोचिएगा कि किताब में जो लिखा हुआ है उसे हम पढ़ लेते हैं और जाके हम लिख पाएंगे, तो याद रखिएगा उतनी पॉसिबल नहीं है कि आप याद करके वहां लिख पाइएगा। ठीक है, आप समझने का तरीका याद रखिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको क्लियर रहना है कि आपको समझना है, फिर जाके अपने लैंग्वेज में लिखना है एग्जाम में, तभी आप इस सब्जेक्ट में पास हो पाइएगा। ठीक है, याद रखिए इसमें जितनी टाइप मैंने जो ऑरेंज रंग के जो क्वेश्चन बताई है, आपको किसी भी हाल में वो क्वेश्चन आंसर को करना है। पहले समझ लीजिए, वीडियो को थोड़ी समझ लीजिए, YouTube में बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, कुछ मेरे चैनल में भी पड़े हैं। ठीक है, मैं सारे पे वीडियो तो नहीं बना पाया हूँ अभी तक, लेकिन मैं याद रखिए मैं बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो मेन टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूँ, काफ़ी इजी तरीका से समझाने का कोशिश भी किया हूँ। ठीक है, आप वीडियो को थोड़ी समझ लीजिए, फिर उसको अपने लैंग्वेज में लिख पाइएगा, एक दो बार इंग्लिश भाषा में समझ लीजिए उसको लिख पाइएगा। ठीक है, अब समझते हैं कि मैं किस तरह से यहाँ पर शॉर्ट नोट्स को करना है, किस तरह का क्वेश्चन आंसर को करना है। देखिए, सबसे पहले क्या है कि ये जो क्वेश्चन आंसर मैंने बताई है शॉर्ट नोट्स वाली, इसमें 11 क्वेश्चन में बताई है, कोशिश कीजिए कि 11 के 11 आप कर लीजिए, तो इसमें कम से कम 20 नंबर आपको 100% आ जाएगी। ठीक है, कहीं कहीं आपको अदर क्वेश्चन भी इसमें पूछ सकती है, लेकिन ज़्यादातर ये जो मैंने क्वेश्चन बताई है ये क्वेश्चन ही इसके रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ कि ये रेड वाली 100% तो उसको करना ही करना है किसी भी हाल में। ठीक है, उसको छोड़ना नहीं है, बाकी याद रखिएगा इसमें थोड़ी बहुत अपने से भी पढ़ाई करनी है आपको, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन के भरोसे आप बैठे हैं और एग्जाम में कुछ और क्वेश्चन भी पूछ दे। ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या है हमारा कि जैसे कि ये जो क्वेश्चन में 3 मैंने यहाँ पर बताई आपको, ठीक है, इसमें क्या है आपको कि आपको डाई कास्टिंग, यहाँ आप इसका ये डिफिनेशन याद करके रख दिए हैं, लेकिन इसका टाइप भी पूछ सकता है। ठीक है, और याद रखिएगा इसमें जो भी आप यहाँ कोई भी टॉपिक को एक्सप्लेन करना है उसमें आपको किसी भी हाल में स्केच करना है, अगर उसमें स्केच है तो। ठीक है, काफ़ी अच्छी तरीके से कम टाइम में ही कीजिए, लेकिन जल्दी करिए और यहाँ पे स्केल का जरूर यूज कीजिएगा। ठीक है, अब समझते हैं कि क्वेश्चन आंसर कैसे करना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आंसर है इसको किसी भी हाल में कर लेना, पहले समझना है कि MIG क्या है। ठीक है, कहीं कहीं इसका स्टेन भी पूछ सकते हैं, मतलब मेटलिक इनर्ट गैस बोल सकते हैं, आर्ट वेल्डिंग इसे बोलते हैं। ठीक है, इसका डिफिनेशन याद कर लीजिए, डिफिनेशन याद करने के बाद इसका एडवांटेज और लिमिटेशन समझ लीजिए। ठीक है, कहीं कहीं इसका याद रखिएगा कि आपको इसका डिफरेंट भी पूछती है, तो आपको जब याद रहेगा इसकी तभी जाके आप इसका डिफरेंट भी लिख पाएगा। ठीक है, इसकी यहाँ पे आपको डिफिनेशन जब समझ लीजिएगा, यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ बताई है आपको MIG TIG, तो आपको इसकी डिफिनेशन सबसे पहले याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद इसकी थोड़ी सी यहाँ पर अप्लीकेशन और साथ में इसके एडवांटेज भी याद रखना है, लिमिटेशन भी याद रखना है, इससे हमें क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है ये चीज़ याद रखिएगा। और उसके बाद कहीं कहीं ये क्वेश्चन का आपको डिफरेंट पूछ सकती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। इसमें एक और भी क्वेश्चन कभी कभी पूछती है वेल्डिंग डिफेक्ट, इसमें जितनी टाइप की जो डिफेक्ट है आपको उसको 100% याद रखनी है कि डिफेक्ट क्या है और आखिर में ये चीज़ में डिफेक्ट कैसे आती है। अगर कोई भी यहाँ पे इंडस्ट्री में जब वर्क होती है तो डिफेक्ट का चांसेस बहुत ज़्यादा होती है आने का। ठीक है, तो अगर कोई कंपनी को ग्रोथ होनी है तो डिफेक्ट को कम करना होता है, इसी कारण ये सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है कि आप किस तरह से डिफेक्ट को आप समझिएगा, तभी जाकर इंडस्ट्री फैक्ट्री में जब कोई भी आप इंजीनियर का पोस्ट जब लेते हैं तो डिफेक्ट को कम कर पाइए। ठीक है, आपको याद रखिए जितनी भी टाइप का डिफेक्ट है आपको मैं आगे चल के बताऊँगा, आपको डिफेक्ट को आपको करना ही करना है, उसके टाइप को भी करना है। और डिफेक्ट जो भी आपके वेल्डिंग डिफेक्ट है आप समझिए सबसे पहले कि वेल्डिंग डिफेक्ट क्या है। ठीक है, तभी जाकर क्वेश्चन सर कर पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 की अगर बात करते हैं तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग कभी कभी पूछती है, इसके एडवांटेज पूछ सकती है, लिमिटेशन पूछ सकती है, मतलब ये क्वेश्चन 1 से 4 तक में से 2 क्वेश्चन पूछेगी, 2 क्वेश्चन ऐसा है जो नहीं पूछेगी। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ 4 का और की अगर बात करते हैं
तो ये क्वेश्चन कहीं कहीं और में पूछ देती है कि आपको डिफरेंट बताना है TIG MIG या इसके जगह आपको यहाँ पे AC आर्क वेल्डिंग बताइए या DC आर्क वेल्डिंग बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी याद रखिएगा क्या कि थोड़ी सी एक दो पॉइंट इसका भी आपको दिमाग में रख लेनी है, अगर पूछ दे बाई चांस तो आप उसे 2 से 3 पॉइंट लिख दीजिएगा तो 100% आपको इसमें कम से कम 4 नंबर तो 5 नंबर मिल ही जाएगा, ठीक है। अब समझते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7, ये 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी हाल में आपको कर लेनी है। और साथ में जो 6 नंबर में और में मैंने दी है, अगर आपके पास टाइम है तो ये कर सकते हैं, नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा, ठीक है। ये टाइप ऑफ डाई पूछ सकते हैं या एक दो डिफिनेशन भी है, ठीक है। ये उतनी खास सी डिफिनेशन नहीं है लेकिन कहीं कहीं पूछती है, खास का आप जितने मैंने बताया ये रेड वाली उसको कर लीजिएगा तो और भी ज़्यादा बेटर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 की अगर बात करते हैं, तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 10 वाले तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी अधिकतर ये डिफिनेशन तो पूछती है। क्वेश्चन 11 की अगर बात करते हैं तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे येलो रंग के किए, लेकिन याद रखिएगा ये क्वेश्चन कभी कभी यहाँ पे पूछती है, थोड़ी बहुत पूछ देती है, ठीक है, और मैं पूछ देती है, ठीक है। लेकिन आप जो रेड वाली जब कर लीजिएगा तो ये क्वेश्चन नहीं भी किएगा तो चलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्या रखने याद कि फ्लाई प्रेस क्या है, पावर प्रेस क्या है, ये याद रखिएगा तो आगे चल के इसकी यहाँ पे जितनी भी टाइप के जो क्वेश्चन है आप उसको अटेम्प्ट कर पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन वाला अगर हम 12 की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन किसी भी हाल में कर रहे हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसका डिफरेंट पूछ सकती है कि नोचिंग ऑपरेशन और लेंजिंग ऑपरेशन का आप डिफरेंट बताइए, 5 पॉइंट इसमें कम से कम दर्शानी होती है, उससे ज़्यादा भी आप दर्शा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कभी कभी पूछती है, लेकिन क्वेश्चन में याद रखिएगा 14 और 15 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी हाल में आपको ये क्वेश्चन को समझ लेना है, ठीक है। याद नहीं कर पाएगा ये क्वेश्चन को, 100% बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन को समझ लेना है, समझने के बाद इसको कहीं भी आप आसानी तरीका से आप कोई भी अपने अपने लैंग्वेज में लिख पाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करते हैं तो ये कहीं कहीं पूछती है और में सेंटर लेंथ क्या है, उसके मेन मेन कंपोनेंट और पार्ट को यहाँ पर दर्शानी होती है, उसके बारे में 2-2 लाइन लिखनी होती है, 20 नंबर का ये क्वेश्चन पूछती है, कहीं कहीं और पूछती है, थोड़ा समझ लीजिएगा तो ये भी लिख पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 किसी भी हाल में आपको कर लेनी है, आंख बंद कर लेनी है, तभी जाके आप पास हो पाइएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे की ओर डिस्कशन करते हैं, थोड़ी सी ये लेंदी होगी ये क्वेश्चन, क्योंकि ये सब्जेक्ट मैं पहले बोल रही कि बहुत ही खतरनाक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये देखिए क्या है कि ये लास्ट सब यहाँ जो चैप्टर है हमारा मेंटेनेंस का उसके रिलेटेड है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन कर रहे हैं आपको ये चीज़ में बता देता हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप अगर आप कर लेते हैं ये क्वेश्चन 21 का और ये भी दोनों तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी क्वेश्चन क्या पूछ सकती है, या देखिए ये जो नज़र आ रही है आपको डिफरेंट पूछ सकती है कि डिफरेंट बताइए प्लान एंड नॉन प्लान मेंटेनेंस का, ठीक है। यही चीज़ मैंने यहाँ पर बताई, 2 क्वेश्चन यही चीज़ बढ़ गई है कि प्लान मेंटेनेंस बोल दिए हमने यहाँ पर इसके बेनिफिट और यहाँ पर अनप्लान मेंटेनेंस बोल दिए, ठीक है। यही 2 क्वेश्चन यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गई, लेकिन आप ये समझ लीजिएगा तो इसके डिफरेंट आप आसानी से यहाँ पर क्लियर कर पाइएगा, ठीक है। या देखें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में जो 23 की अगर बात करता हूँ, ये क्वेश्चन आप कहीं कहीं पूछ सकते, डिफाइन PM बताइए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बताइए, आखिर में किस तरह से हम लोग किसी चीज़ को बचा सकते हैं, और साथ में ये बताइए कि स्टेट बताने होगा गुड यहाँ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होती है, उसकी बेनिफिट क्या होती है, इसमें 1-1, 2-2 लाइन आपको समझ के लिख देना है, ठीक है। अगर लिख ही पाइएगा तो अपने लैंग्वेज में बहुत ही ईजी तरीका से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात करते हैं तो ये क्वेश्चन क्या है कि आप 2 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, याद रखिए मैं पहले बताइए कोई भी डिफेक्ट आपको पूछ सकती है, वेल्डिंग डिफेक्ट पूछ सकती है, इसके 2-3 टाइप आपको दर्शानी होंगी, इसके नीचे वाले यहाँ पर कास्टिंग का डिफेक्ट बतानी होगी, इसकी टाइप बतानी होगी, ठीक है। आपको यह याद रखिएगा कि आपको वेल्डिंग डिफेक्ट और कास्टिंग डिफेक्ट को किसी भी हाल में आपको करना ही करना है, किसी भी हाल में समझ लीजिए उसको अपने लैंग्वेज में और लिख पाइएगा तभी जाकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर बात करते हैं तो ये क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है, 4 में से 2 क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। खासकर ये दोनों क्वेश्चन हो सकती है, यहाँ पे पंचिंग है, टाई सू पूछ सकते हैं, या फिर आपका काउंटर यहाँ पे बोरिंग पूछ सकते हैं, काउंटर बोरिंग का इधर भी मैंने डिस्कशन की है इसके बैक वाली क्वेश्चन में, ठीक है। अगर 4 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसी भी हाल में कर लीजिए तभी जाकर आप इसमें पास हो पाएगा, ठीक है। बाकी सब जितनी भी टाइप के जो क्वेश्चन आंसर मैंने बताई है आपको रेड वाली करने ही करने हैं, बाकी आप पीली वाली अगर कम भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन रेड वाली आपको करनी है अगर ये सब्जेक्ट में पास होना चाहते हैं तो, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बढ़िया तरह समझ में आ चुकी होगी। वीडियो देखने का थैंक यू, चैनल में नए आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, अब वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, धन्यवाद।